हेलो फ्रेंड, वेलकम इन ओम नर्सिंग अकेडमी। मैं निल कांटेवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे जितने भी जो हॉस्पिटल में यूज में आने वाली कैथेटर है, ट्यूब है, कैनोला है, उसके बारे में, क्योंकि इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जो अलग अलग ट्यूब्स हैं, कैनोला है, कैथेटर है, उनके बारे में तो कई बार कई स्टूडेंट उनको पहचाने में वो गलती कर जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं पर बात करेंगे कि कौन सी जो कैथेटर है वो एग्जाम में पूछी गई है और किन के बार बार पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यूरिनरी कैथेटर। यूरिनरी कैथेटर में जो अलग अलग टाइप की कैथेटर है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉलिस कैथेटर। इसमें हम डायग्राम देखेंगे और जो भी कैथेटर है उसका डिस्क्रिप्शन और उसका यूज़, डिस्क्रिप्शन मतलब उसकी डिटेल देखेंगे और उसका यूज़ कि वो कैसे यूज में आएगी, ठीक है। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर डायग्राम है ये किसका है, ये है फॉलिस कैथेटर। ये एक फॉलिस कैथेटर है, यह कौन सी है, इंडवेलिंग कैथेटर, ठीक है, फॉलिस इंडवेलिंग कैथेटर है ये। और ये किस काम में आती है, ये यूरिन पास आउट करवाने के लिए काम में लेते हैं। और जो फॉलिस कैथेटर है ये किससे मिलके बनी होती है, ये लेटेक्स, सिलिकॉन और पॉलीयूरेथेन है उससे मिलके बनी होती है। जो पहले कैथेटर काम में ली जाती थी वो लेटेक्स से बनी होती थी, जो आजकल जो नई वाली जो कैथेटर आ रही है वो किन से मिलके बनी होती है, वो सिलिकॉन से मिलके बनी होती है। तो सिलिकॉन से जो मिलके बनी होती है वो क्या होती है, लेस इरिटेटिंग होती है। तो जो फॉलिस कैथेटर है इसमें जो बेलून है उसका यूज़ किया है, उसको अगर बेलून को इन्फ्लेट करेंगे तो उसको फिक्स करके रखेगा, किसमें, ब्लैडर में, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में उसको फिक्स करके रखेगा। जो फॉलिस कैथेटर है इसमें दो लुमन पाई जाती है, कितनी लुमन पाई जाती है, दो लुमन, एक तो यूरिन ड्रेन करवाने के लिए और दूसरी बेलून इन्फ्लेट कराने के लिए, ठीक है। जो बेलून है उसको फुलाने के लिए एक लुमन पाई जाती है और दूसरी लुमन जो भी यूरिन है उसको पास आउट करवाने के लिए, ठीक है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था जो बेलून है उसको इन्फ्लेट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन काम में लेंगे, तो इसका आंसर होगा वो होगा डिस्टिल वाटर, ठीक है। जो भी अदर सॉल्यूशन है वो काम में नहीं लेंगे। कई बोलते हैं कि नॉर्मल सेलाइन काम में लेंगे, नॉर्मल सेलाइन कभी काम में नहीं लेंगे क्योंकि वो एक क्या है, क्रिस्टेलॉइड फ्लूड है, वो क्रिस्टेलॉइड फ्लूड है तो वो अंदर जाके क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या काम में लेंगे, इसीलिए डिस्टिल वाटर काम में लेंगे इन्फ्लेट करने के लिए। इसमें नेक्स्ट देखिए थ्री वे फॉलिस कैथेटर। थ्री वे फॉलिस कैथेटर ये देखने में जो फॉलिस कैथेटर है वैसे है, लेकिन इसमें एक ल्यूमन एक्स्ट्रा पाई जाती है, जैसे इसके नाम से लगा है थ्री वे फॉलिस कैथेटर। इसमें तीन ल्यूमन पाई जाती है, कौन कौन सी, एक तो यूरिनरी ड्रेनेज के लिए, बेलून को इन्फ्लेट करने के लिए, और जो भी ब्लैडर में जो भी कोई भी अतिरिक्त वेस्ट है उसको इरिगेट करने के लिए हम काम में लेते हैं जो थर्ड ल्यूमन है उसको, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थ्री वे फॉलिस कैथेटर। नेक्स्ट मेलकोट कैथेटर। मेलकोट कैथेटर इसको हम मशरूम कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। आप इसकी जो टिप देखोगे, टिप पे आपको मशरूम और जो फ्लावर आती है वैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसी कारण इसको हम मशरूम कैथेटर भी बोलते हैं। और इसको किस केस में काम में लेते हैं, हम इसको जो भी रीनल पेल्विस है और नेफ्रोस्टोमी है उसके ड्रेनेज के लिए काम में लेते हैं। और इसके लिए रूट कौन सा काम में रखेंगे, परक्यूटेनियस रूट। नेक्स्ट देखिए सुप्राप्यूबिक कैथेटर। सुप्राप्यूबिक कैथेटर इस कैथेटर को अब्डोमन और अम्बिलिकस के नीचे की तरफ से एक इंसर्शन लगा के इंसर्ट करवाते हैं। आप इसका डायग्राम देख सकते हो, ये कौन सी कैथेटर है, ये सुप्राप्यूबिक कैथेटर है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो भी लोकेशन है आपको मैंने दिखा रखी है डायग्राम में कि ये कौन सी कैथेटर है, तो ये कौन सी है, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। जो प्यूबिक एरिया है उसके ऊपर की साइड में जो अम्बिलिकस है उसके नीचे के साइड में क्या लगाते हैं, इंसिजन, और वहाँ से क्या इंसर्ट करवाते हैं कैथेटर को, ये कौन सी है, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। नेक्स्ट देखिए सिलिकॉन कैथेटर। अभी मैंने बताया था सिलिकॉन कैथेटर है, यह जो भी नॉर्मल अदर जो लेटेक्स वाली रबड़ वाली कैथेटर होती है उसकी तुलना में क्या करती है, जो भी यूरिनरी म्यूकस है उसको कम इरिटेट करती है, और यह लॉन्ग टर्म जो भी पेशेंट है उसके लिए क्या है, फायदेमंद है, ठीक है। नेक्स्ट K90 कैथेटर या सिंगल लुमन कैथेटर, और इसी टाइप में आती है एक रेड कलर की कैथेटर भी आती है, रेड कैथेटर, वो भी सिंगल लुमन में आती है। इसका यूज हम सिंगल समय के लिए करते हैं, मतलब अगर किसी पेशेंट का यूरिन पास आउट नहीं हो रहा कोई भी किसी भी कारण के कारण, अगर हमें उसको एक बार के लिए पास आउट करवाना है तो हम उसके लिए K90 कैथेटर काम में लेंगे, जो सिंगल लुमन वाली कैथेटर है वो काम में लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो भी इंट्राविनस ट्यूब है, कैनुला है, उसके बारे में। इसमें फर्स्ट बात हम करेंगे इंट्राविनस सेट।
जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, आईवी सेट। जो आईवी सेट है, बीटी सेट है, ये आप सभी ने देखा होगा। इसमें पहले देखिए आईवी सेट, जो आईवी सेट है इसका यूज़ हम किसी लिए करते हैं, जो भी फ्लूड है वो देने के लिए। जो भी आपने देखा होगा आईवी सेट है, ये दो तरह के होते हैं, माइक्रो ड्रिप सेट और मैक्रो ड्रिप सेट, ठीक है। जो माइक्रो वाले होते हैं आईवी सेट, वो किसके लिए काम लेते हैं, पीडियाट्रिक के लिए, और मैक्रो ड्रिप सेट ये एडल्ट के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, अब आप इसमें डिफरेंस देखिए, जो आईवी सेट है और बीटी सेट है इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें मेन चीज़ आपको एक ही देखने को मिलेगी, क्या, फिल्टर। जो बीटी सेट है इसमें आपको फिल्टर देखने को मिलेगा, और आईवी सेट है इसमें आपको फिल्टर देखने को नहीं मिलेगा। आप ध्यान से देखोगे तो आपको अंतर पता चल जाएगा। जो भी बीटी सेट है इसमें आपको फिल्टर दिखाई देगा और आईवी सेट में फिल्टर नहीं दिखाई देगा, ठीक। तो अभी इसमें क्वेश्चन ये है कि बीटी सेट में फिल्टर का यूज़ क्यों करते हैं। तो जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसके दौरान उसमें कोई भी क्लंप है या फिर जो भी क्लोट है उसको सेपरेट करने के लिए उसमें क्या पाया जाता है, उसमें एक फिल्टर पाया जाता है। जो भी क्लोट है, क्लम्प्स है, उनको वो अलग करके रखता है, ठीक है। ये क्या है, बीटी सेट। इसमें नेक्स्ट थर्ड नंबर का देखिए, स्कैल्प वेन सेट। स्कैल्प वेन सेट को हम बटरफ्लाई सेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, वेने पंक्चर के लिए। इसको हम डायरेक्ट जो भी आईवी सेट है उससे कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। और इसका अदर नाम क्या है, विंग इन्फ्यूजन सेट। जो भी स्कैल्प वेन सेट है हम इसको बटरफ्लाई सेट के नाम से भी जानते हैं, विंग इन्फ्यूजन सेट के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए काम में लेते हैं। इसका डायग्राम आप देख सकते हो। बेसिकली ये तो सभी को आईवी सेट, एसवी सेट, बीटी सेट, ये तो लगभग सभी के देखे हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैनुला की, आईवी कैनुला। ये भी मतलब जो मोस्टली स्टूडेंट है इनको पता है आईवी कैनुला के बारे में, लेकिन कई बार इसमें जो भी ऑर्डर है, मतलब जो भी इसके क्रम है उसके हिसाब से हम इसको याद नहीं कर पाते। यानी जैसे 14 नंबर का कौन सा है, ऑरेंज कलर का, 16 नंबर का ग्रे कलर का, 18 नंबर का ग्रीन कलर का, 20 नंबर का पिंक कलर का, 22 नंबर का ब्लू कलर का, और 24 नंबर का है वो है येलो कलर का, और 26 कलर का भी आता है वो कौन सा है, वॉयलेट कलर का, ठीक है। तो वो पीडियाट्रिक के लिए काम में आते हैं, और जो नॉर्मली जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी कंडीशन में काम में लेते हैं वो है 18 नंबर कैनुला, ठीक है। तो कैनुला के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा कैनुला कितने नंबर का है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, रेस्पिरेटरी ट्यूब्स। जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम में आने वाली ट्यूब्स है वो कौन कौन सी है। इसमें फर्स्ट है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब्स। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, इसको किसे इंसर्ट करवाते हैं, जो भी ट्रेकिया है, जो भी नेक है वहाँ पे क्या लगाते हैं, हम इंसिजन लगाते हैं और वहीं से हम ट्यूब डालते हैं, ठीक है। वो क्या है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, जैसे नाम से है किस में इंसर्ट करवाएंगे, ट्रेकिया में, ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकिया के अंदर स्टोमी यानी ओपनिंग करना, वो क्या है, ट्रेकियोस्टोमी। और ट्यूब मतलब ट्रेकिया के अंदर डायरेक्ट जो भी इंसिजन लगा के क्या डालते हैं, ट्यूब डालते हैं, वो कौन सी है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ये किसके लिए काम में लेते हैं, जो प्रोलॉन्ग्ड इंट्यूबेशन है यानी कोई भी अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उस केस में हम काम में लेते हैं, कौन सा, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। नेक्स्ट एंडोट्रेकियल ट्यूब। डायग्राम देखिए, ये कौन सी ट्यूब है, ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है, एंडोट्रेकियल ट्यूब, इसका एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है। इस ट्यूब को हम माउथ के द्वारा ट्रेकिया में इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब थी उसको ट्रेकिया के द्वारा करवा रहे थे, लेकिन जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है इसको किसके द्वारा करवा रहेंगे, हम माउथ के द्वारा, ठीक है। किसके लिए, क्यों, क्योंकि इसको जो भी अपना पेटेंट एयरवे है उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट देखिए, लेरिंजियल मास्क एयरवे। लेरिंजियल मास्क एयरवे ये जोधपुर एम्स के एग्जाम में आया हुआ था, जो 2017 में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किसका, लेरिंजियल मास्क एयरवे। ये मास्क है इमरजेंसी की उस कंडीशन में काम में लेते हैं जब पेशेंट को हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में कौन से मास्क काम में लेंगे, लेरिंजियल मास्क एयरवे, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बी ट्यूब या डबल ल्यूमन एयरवे ट्यूब। जो कॉम्बी ट्यूब है इसका यूज भी हम किस में करते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के केस में। जो भी पेशेंट है उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन देने के लिए हम जो कॉम्बी ट्यूब है या डबल ल्यूमन एयरवे ट्यूब है उसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वान गेज कैथेटर। जो स्वान गेज कैथेटर है ये पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन और राइट हार्ट साइड कैथेटराइजेशन में काम में लेते हैं, ठीक है। जो राइट हार्ट साइड कैथेटराइजेशन है उसमें क्या काम में लेते हैं, स्वान गेज कैथेटर को।
साइड जो भी लार्ज वेन है अपनी, जैसे जो भी इंटरनल जुगुलर वेन है, सबक्लेव वेन और फ्यूमरल वेन, उसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं। किसके लिए? टू मेजर पल्मोनरी वेज प्रेशर। जो भी पल्मोनरी वेज प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए किसको काम में लेते हैं? स्वान गेंज कैथेटर को। इसमें नेक्स्ट देखिए अदर ट्यूब, जो भी बाकी बची हुई ट्यूब है उसके बारे में बात हम करेंगे। इसमें फर्स्ट है नेदोगेस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब। तो जो भी एनजी ट्यूब है आप उसका डायग्राम देख सकते हो, ये क्या एक एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके आगे की जो टिप है वहाँ पे आपको ये बॉल्स दिखाई देंगे, जो लेड की बॉल होती है वो आपको दिखाई देंगी। ये आपको जो भी तो इसमें बॉल्स क्यों डालते हैं, ये इसके भी दो कारण है, एक तो इजीली इंसर्ट करवाने के लिए और सेकंड जो इम्पोर्टेंट कारण है इसका, जो भी इसमें लेड की बॉल्स पाई जाती हैं, जो भी इसमें छोटी छोटी आपने देखा होगा जो भी लेड की इसमें छोटी छोटी बॉल्स है उसके पाए जाने का कारण वो है कि इसकी जो भी हम पोजिशन है वो लोकेट कर सके। किसके द्वारा? एक्सरे के द्वारा। जब भी पेशेंट है उसको हम एनजी ट्यूब लगाएंगे और अपने को ये देखना है कि वो एनजी ट्यूब फिक्स हुई है कि नहीं हुई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सरे। तो एक्सरे में जो भी लेड वाली टेबल ये गोलियां हैं वो दिख जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट गैस्ट्रोस्टोमिक ट्यूब। गैस्ट्रोस्टोमिक ट्यूब आप देख सकते हो, इसका भी मतलब क्या है? गैस्ट्रोस्टोमी, जो भी गैस्ट्रिक एरिया है उस पर क्या लगाएंगे? इंसिजन, और वहाँ से क्या करवाएंगे? इंसर्ट, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? पीईजी ट्यूब। पीईजी ट्यूब मतलब परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी। यह भी एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसको एब्डोमिनल वाल से स्टोमक में इंसर्ट करवाते हैं। पीईजी ट्यूब का यूज क्या है? फ्लूड और मेडिकेशन देने के लिए। नेक्स्ट देखिए टी ट्यूब। टी ट्यूब का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। टी ट्यूब का यूज़ जो भी गाल ब्लेडर की सर्जरी है उसके अंदर करते हैं, जो भी बाइल है उसको ड्रेन करवाने के लिए, ठीक है। जो भी बाइल है उसको ड्रेन करवाने के लिए हम कौन सी ट्यूब का काम में लेते हैं? टी ट्यूब। नेक्स्ट सिंगस्टेक्शन ब्लैकमोर ट्यूब। कई बार कई स्टूडेंट जो भी स्वान गेज कैथेटर है और सिंगस्टेक्शन ब्लैकमोर ट्यूब है उन दोनों के नाम के कारण कन्फ्यूज हो जाते हैं और अलग अलग नाम वो कर देते हैं। तो ये आपको जो फोर्थ नंबर का जो भी ट्यूब है ये क्या है? सिंगस्टेक्शन ब्लैकमोर ट्यूब। इसका आप पहचान कैसे करोगे? इसमें आपको दो बेलून दिखाई देंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यह एक थ्री वे कैथेटर है जिसमें दो बेलून पाए जाते हैं, ठीक है। और एक बेलून तो इसमें इसोफेगस में रहेगा और दूसरा कहाँ पर इन्फ्लेट होगा? वो होगा स्टोमक में। तो जो सिंगस्टेक्शन ब्लैकमोर ट्यूब है इसका यूज़ क्या है? जो भी वेरिशियल ब्लीडिंग है, इसोफेजियल ब्लीडिंग है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम सिंगस्टेक्शन ब्लैकमोर ट्यूब काम में लेते हैं। इसमें फाइव नंबर के कैथेटर देखिए, पिग टेल ड्रेनेज कैथेटर। जो पिग टेल ड्रेनेज कैथेटर है इसका हम जो भी यूज है वो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक से करते हैं। जो भी इसकी अभी इसकी पिग टेल ड्रेनेज कैथेटर, इसका नाम किस पे रखा हुआ है? क्योंकि जो इसकी टिप है वो कैसी है? पिग की टेल की तरह क्या रहती है? इसे मुड़ी रहती है, ठीक है। जो पिग है, जो सुअर है, उसकी जो भी पूछ है उसकी तरह ही क्या रहती है? इसे मुड़ी रहती है, उसी आधार पे इसका नाम पड़ा हुआ है। इसका यूज किस लिए करते हैं? जो भी ऑर्गन है, कैविटी है, उससे जो भी अनवांटेड फ्लूड है, पस है, उसको रिमूव करने के लिए हम पिग टेल ड्रेनेज कैथेटर को काम में लेते हैं। आप डायग्राम को देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी कैथेटर है। ये पिग टेल ड्रेनेज कैथेटर है। इसमें नेक्स्ट देखिए सिक्स नंबर पे सक्शन कैथेटर। आपको यहाँ पे अलग अलग कलर में, अलग अलग कोड में जो कैथेटर दिखाई दे रही है, ये कौन सी कैथेटर है? ये सक्शन कैथेटर है। इनका यूज़ जो भी म्यूकस है, जो भी सलाइवा है, उसको रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं। किसको? सक्शन कैथेटर को। नेक्स्ट सेवन नंबर में फ्लेटस ट्यूब। तो जो आपको स्क्रीन पे जो ऑरेंज रेड कलर की जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, ये कौन सी ट्यूब है? ये है फ्लेटस ट्यूब। इसका यूज़ किस लिए करते हैं? जो भी फ्लेटुलेंस है, जो भी गैस है, उसको रिलीव करने के लिए हम फ्लेटस ट्यूब का काम में लेते हैं। नेक्स्ट म्यूकस एक्सट्रैक्टर। म्यूकस एक्सट्रैक्टर इसका काम हम किस में लेते हैं? इसका यूज हम जो भी माउथ है और थ्रोट है उसे सीक्रेशन हटाने के लिए काम में लेते हैं। जब भी बेबी की डिलीवरी होती है तो हम उसमें भी म्यूकस एक्सट्रैक्टर से उसका क्या करते हैं? जो भी थ्रोट है, माउथ है और जो भी नोज है वो क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। म्यूकस एक्सट्रैक्टर, इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एज ए डायग्राम, तो आप डायग्राम देख के पहचान सकते हो। नेक्स्ट नेजल कैनुला या नेजल प्रोंग्स। जो नेजल कैनुला और नेजल प्रोंग्स है, ये इसके नाक के साइड में दो टिप पाई जाती है जो नॉस्ट्रिल में रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस काम में आती है? ये ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के काम में आती है, ठीक है। ये थी कुछ ट्यूब
कैथेटर और कैनुला के बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन इनसे आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। ये था ट्यूब कैथेटर और कैनुला के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।